नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनावर में भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अनिल तोमर चौधरी महावाल्मीकि पंचायत के नेतृत्व में सौंपा गया है। ज्ञापन का वाचन महावाल्मीकि पंचायत के पटेल दिनेश तोमर ने किया। ज्ञापन में शिवपुरी के भावखेड़ी गांव में खुले में शौच कर रहे मनोज वाल्मीकि के 10 साल के अविनाश वाल्मीकि और 8 साल की रोशनी वाल्मीकि की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। एक ओर सरकार वाल्मीकि समाज को अनेक योजनाओं से लाभान्वित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाओं से दलित वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शिवपुरी जिले में जो दलित परिवार वाल्मीकि परिवार के दो बहन भाई की जघन्य हत्या की गई, उनके विरोध में आज महावर वाल्मीकि पंचायत मनावर के सभी पदाधिकारी एवं साथी लोग SDM साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए और मांग की गई है कि उस पीड़ित परिवार को सहायता राशि शासन से मिले तथा जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देकर तत्काल उनको फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को सहायता राशि के रूप में राशि देकर उन परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले।